हेलो चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे थ्रेड ड्राइंग धागे के उपयोग से, और वो भी नेचुरल कलर से। कुमकुम, हल्दी और रॉबिन ब्लू का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और एक धागा जिससे गजरा बनाते हैं ना, वो वाला अच्छे से पक्का धागा। धागे के टुकड़े करके हमें हल्दी के, कुमकुम के और रॉबिन ब्लू के लिक्विड में घोलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीन कलर ही चाहिए, आप एक कलर में भी ये चित्र बना सकते हैं। हमें एक प्रकार का छाप लेना है। मैंने हल्दी के घोल में धागे को अच्छे से डुबो लिया। हल्दी के घोल में पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी वो धागा हम कागज़ पे अरेंज करते हैं। छाप अच्छा आने के लिए हम उसके ऊपर एक कोई भी रफ कागज़ रख देते हैं। अब थोड़ा वज़न बढ़ाने के लिए कोई भी प्लेन चीज़ उस पर रख के धागे को धीरे 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 खींचेंगे। कागज़ को निकाल के नीचे का छाप देखेंगे। ये क्रिया हमें बार बार करनी है। अलग अलग दिशा से वो जो धागा है वो हमें अरेंज करना है। अभी मैंने लिया है कुमकुम का धागा। वापस मैं वही क्रिया करने वाली हूँ, धागे को धीरे 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 खींचने वाली हूँ। बच्चों, धागा पक्का होना चाहिए। अगर धागा कच्चा होगा तो वो खींचते वक्त गीला होने के कारण टूट सकता है। देखो कितनी सुंदर छाप आई है। आपको जितने बार लगे उतने बार अलग अलग दिशा से यह छाप लेते जाइए। यह छाप लेते लेते अच्छे से सुंदर से चित्र नीचे तैयार होने लगेगा। इसका उपयोग आप अच्छे से एक पेंटिंग बनाने के लिए या ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए बना सकते हो। घर में जो कलर मौजूद हो उस कलर का उपयोग करके हम लोग ये सुंदर चित्र बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने नेचुरल कलर का उपयोग किया है। पीले रंग के लिए हल्दी, लाल रंग के लिए कुमकुम और नीले रंग के लिए रॉबिन ब्लू नील का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप भी आसानी से घर में उपलब्ध होने वाले ये कलर का उपयोग कर सकते हो और एक सुंदर प्रतिकृति, सुंदर चित्र बना सकते हो। देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलो मेरे छोटे चित्र का गेट सेट एंड गो एंड डू इट द बेस्ट ड्राइंग फॉर योर टीचर।